हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए लेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल, और मैंने यहाँ पर लेनी है कुछ सब्जियाँ, जिसमें मैंने यहाँ पर एक टमाटर बारीक कटा हुआ लिया है, और दो मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, एक प्याज जिसको मैंने बारीक काटा है, प्याज मैंने एक थोड़ी बड़े साइज की ली है, एक शिमला मिर्च जिसको भी मैंने बारीक चॉप किया है। सब्जियां आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी सब्जी नहीं है आपके पास वो हटा भी सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है सब्जियां, जो जो सब्जियां अगर आपके पास इसमें खीरा है तो खीरा डाल सकते हैं, और भी सब्जियाँ गाजर डाल सकते हैं, आप इसको जितना चाहे टेस्टी हेल्दी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो बट मैं यहाँ पर यही बेसिक सी सब्जियाँ यूज कर रही हूँ जो कि हर किसी के पास अवेलेबल होती हैं, इनको हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पनीर का टुकड़ा, एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। ये पनीर डालना पूरी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ है इसलिए मैं डाल रही हूँ, इससे कि सैंडविच जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बनती है, क्योंकि पनीर हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ। साथ ही साथ हम डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश धनिए की पत्तियाँ। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें एक टेबल चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और एक टेबल चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए, तो आप चाहे तो बाइंडिंग के लिए मैं आपको तीन ऑप्शन बता देती हूँ कि आप एक तो इसमें मलाई डाल सकते हैं, दूध के ऊपर जो नॉर्मल मलाई जम जाती है ना वो डाल सकते हैं, या आप इसमें दही डाल सकते हैं, बट मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर ये एगलेस मायोनीज। तो अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए मायोनीज, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा चीजी फ्लेवर आएगा, और मायोनीज खूब अच्छे से डाल देंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अगर ये बाइंड नहीं हो पा रहा है अच्छे से, थोड़ा सा मायोनीज हम और ऐड कर लेंगे इसमें। आप चाहे तो अगर मायोनीज कम है तो साथ ही साथ मलाई भी ऐड कर सकते हैं, तो मायोनीज और जो मलाई मिक्स एक साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं दोनों चीज़ें। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, अभी थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें मायोनीज, तो थोड़ा सा मायोनीज हम इसमें और ऐड कर लेते हैं। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि स्टफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको, क्योंकि अगर ये अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा तो स्टफ करने में क्या होता है कि फिर सब्जियां इधर उधर फैलती हैं, तो वो अच्छे से फिर स्टफ नहीं हो पाता है, इसलिए आप मायोनीज थोड़ा ज़्यादा ही डालें इसमें। अच्छे से हम सारी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारी बहुत ही एकदम चटपटी सी स्टफिंग बन जाती है, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी डाला है, तो उस चाट मसाले की वजह से इसमें बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट आता है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी स्टफिंग बन गई है, देखिए काफी एकदम क्रीमी लग रही है देखने में। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड से रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये चार ब्रेड के स्लाइसेस, तो हम क्या करेंगे, जो ब्रेड की किनारियां है ना इनको हमें कट करना है, तो सारे ब्रेड की किनारियों को हम अच्छे से कट कर लेते हैं। ब्रेड की जो किनारियां हैं इनको हमें फेंकना नहीं है, इनसे हम एक बढ़िया सा ब्रेड क्रम बना के कोई भी नाश्ता बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारी किनारियों को कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे दो ब्रेड के स्लाइसेस, और जो हमने अभी स्टफिंग बना के रखी है उनको स्टफिंग को अच्छे से हम इसमें भरेंगे। ये सैंडविच बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती हैं, कुछ भी झंझट नहीं है, सिर्फ हमें सब्जियाँ काटनी है, तुरंत ही इनको स्टफ कर दें। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड पर भी लगा देते हैं। स्टफिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको देखिए अच्छे से स्टफ्ड कर लिया है, यानी कि अच्छे से स्टफिंग लगा दी है इसमें। अब हम दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस को रखेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम हाथों से इसको प्रेस कर देते हैं, जिससे कि अच्छे से दूसरा ब्रेड भी इस पर चिपक जाएगा। थोड़ा सा प्रेस कर दें,
तो ये देखिए, ये हमारी सैंडविच सिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। आपने सैंडविच तो हज़ारों बार खाई होंगी, बट ये सैंडविच इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि अगर आपने एक बार बना के खा ली ना, तो बार बार यही बनाने का मन करेगा। तो दोनों सैंडविच तैयार हैं बिल्कुल सिकने के लिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम रखेंगे यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन, पैन की जगह आप तवा भी ले सकते हैं, तवे पर भी अच्छे से सिक जाएंगी। और इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर। मैं यहाँ पर सैंडविच को बटर में सेक रही हूँ। आप चाहे तो घी में सेक सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल में भी सेक सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप इसको किस में सेकना चाहते हैं। अच्छे से बटर को हम फैला देते हैं। तो बटर को मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब हम उस पर अपनी सैंडविच को लगा देते हैं। तरह से लगा दिया है, तुरंत ही हम इसको पलट देंगे जिससे कि जो बटर है ना दोनों साइड से लग जाएगा। उस तरह से हम इसको घुमा देते हैं जिससे कि जो बटर है अच्छे से लग जाए, जिससे कि हमारी सैंडविच तभी क्रिस्पी बनेगी जब इस पर बटर अच्छे से लग जाएगा। तो बहुत ही क्रिस्पी एकदम मज़ेदार सैंडविच बनती है फिर। और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए दोनों साइड से सेक लेंगे एकदम बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी होने तक। वाली मलाई वाली सैंडविच भी देखना चाहती हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी इसको फिर से पलट देते हैं। वाओ ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम से गोल्डन क्रिस्पी हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं। अब हम इनको निकाल देते हैं। इसी तरह से हम बाकी की सैंडविच को भी सेक लेंगे। तो ये देखिए सैंडविच काफ़ी अच्छे से सिक चुकी हैं दोनों साइड से, एकदम गोल्डन क्रिस्पी बनी हैं। अब हम इसको भी निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों सैंडविच को सेक लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कट करने से आपको आवाज़ आ रही होगी कितनी क्रिस्पी बनी है। वाह ये देखिए कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है देखने में फ्रेंड, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेस्टी एकदम चटपटी हमारी सैंडविच बनके तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स आप भी एक और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।